जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू ऑटोमोबाइल्स अपडेट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डेली दुबई जॉब्स अपडेट शेयर करता हूं। ओके, और हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सीरीज कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें पूरा क्लासेस मैंने आपको शेयर किया है। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा QMS सीरीज की। ओके, QMS सीरीज फिनिश होने के बाद हमने स्टार्ट किया है इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001:2015। ओके, वो आपको इंटरव्यूज के दौरान तो काम आएगा। उसके साथ साथ आप अगर इम्प्लीमेंटेशन में हो, किसी प्लांट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके, सो वो भी देखें। मैं प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि चैप्टर वाइज है। ओके, और आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है Chapter 3, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001:2015। इसमें हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एजेंडा क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें फोकस करना होता है, किस किस पॉइंट्स को हम वेरीफाई करते हैं, किस किस पॉइंट को मॉनिटर करते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से की पर्संस इन्वॉल्व रहते हैं, किस जो और चेयर्ड बाई कौन होता है, प्लस प्रेजेंटेड बाई कौन होता है, जो कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को चेयर्ड करता है, वो सारा हम देखेंगे। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये भी एक इंटरव्यूज का क्वेश्चन है और आंसर है, आपको पता होना चाहिए। सो इसको हम एक बार स्क्रीन पे चल के देख के समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के कॉन्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है आपने तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके बेनिफिट ले सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो ऑन स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें मेन होगा जो हमारा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में कि एजेंडा क्या होता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का, और की पर्संस कौन कौन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि इन्वॉल्व होना चाहिए, वो हम दो चीज़ देखेंगे। ठीक है ना। सो इसका जैसे कि आप जानते हैं, हमने Chapter 3 नाम दिया है और ये इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर्स की कैटेगरी में आता है और ये आपके इम्प्लीमेंटेशन QMS इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सप्लेन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ओके, सो स्टैंडर्ड क्या कहता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कम इन Class 9 इन स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इज टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लांट इंटरवल टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूइंग सुटेबिलिटी, एडवोकेसी, इफेक्टिवनेस एंड अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये Class 9 में आता है और 9 में भी आप देख सकते हैं कि 9.3 कैटेगरी में आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके आप देखिए Class 9 जो है हमारा। सो Class 9 आप देख सकते हैं, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। Class 9 है एक्चुअली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। और वैसे तो मैं फुल प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप सब देख सकते हैं, बट अगर आपको स्पेशली मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग देखना है तो आप Class 9 में जाएंगे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, उसमें सब कैटेगरी है 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है ना। इसमें तीन कैटेगरी आती है जो कि आपकी है 9.3.1, 9.3.2 एंड 9.3.3। ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई पूछता है तो ये सर हमारा, ऐसे आप बोल सकते हैं कि Class 9 परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है और उसमें जो सब कैटेगरीज है 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, उसके अंतर्गत हमारा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग आता है। उसमें तीन सब क्लासेस होते हैं 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3। ओके, 9.3.1 जो होता है जनरल कैटेगरी है, 9.3.2 को होता है जो मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट होता है, ठीक है ना। आप देखना आप ब्रीफ में, आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और 9.3.3 जो होता है आपका मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट है, ठीक है ना। इन तीन सब क्लॉजेस में हमारा मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स का जो स्टैंडर्ड है उसका क्लोज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट आउट किया है कि जो की पर्संस हैं वो कौन कौन होना चाहिए, आपको आपको पता होना चाहिए। कोई इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये चेयर्ड बाई होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, या प्लांट हेड या यूनिट हेड होता है, उनको चेयर उनको रिपोर्ट किया जाता है। और जो रिप्रेजेंट करता है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, या क्यूसी इंचार्ज या क्यूसी मैनेजर होता है, ठीक है ना। और जो बाकी जो की पर्सन्स होते हैं वो जैसे कि क्वालिटी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इंजीनियर, परचेज मैनेजर, HR और पर्सनल मैनेजर, ये जो की पर्सन्स होते हैं वो आपका मीटिंग में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बातें क्या क्या बातें होती हैं, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल जो हमारा की ऑब्जेक्टिव्स है, रिजेक्शन लेवल है, कस्टमर कंप्लेंस, ये सब हम बातें डिस्कस करते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट का होता है वो, उसके लिए भी हम बात करते हैं। सो ये हो गया आपका की पर्संस जो कि हमारा मीटिंग में होने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एजेंडा, एजेंडा कह सकते हैं, या पॉइंट शुड बी डिस्कस इन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। अगर कोई एजेंडा पूछे आपसे कि एजेंडा क्या होता है, तो आप ये पॉइंट्स उनको बता सकते हैं। मैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एक फॉर्मेट भी शेयर करूँगा, जब सारा क्लासेस हम पढ़ लेंगे, सारा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो मैं सबका एक एक फॉर्मेट भी आपको शेयर करके समझाऊंगा कि कैसे हम फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 13 जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिया है, ठीक है ना। उसके अलावा भी आप एडिशनल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है सूटेबिलिटी ऑफ QMS एंड रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस। अगर कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस है तो उसकी बातें होती हैं, प्लस कंटिन्यूस चल रहा है कि नहीं उसको रिव्यू किया जाता है। स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड KPIs, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट का या डिपार्टमेंट वाइज KPIs है, उसको प्रॉपर अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑडिट्स, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है ना, हम इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कस्टमर कंप्लेंट पास्ट, कितना लास्ट क्वार्टर में कितनी कंप्लेंट्स आई, हमने उसके लिए उसके अगेंस्ट कितना एक्शन प्लान लिया, ये सारी बातें होती हैं। और अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट पेंडिंग है तो उसको क्यों नहीं किया गया, ये सारे डिस्कस होता है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक फॉर्म के बारे में बात करते हैं, कस्टमर सर्वे फॉर्म जो होता है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल रिजेक्शन एंड कंट्रोल प्लान, ठीक है ना। सप्लायर परफॉर्मेंस एंड ऑडिट आउटपुट्स, डिस्कशन फॉर प्रोसेस प्रपोज इम्प्रूवमेंट, सप्लायर की परफॉर्मेंस की हम बातें करते हैं, ऑडिट की बातें करते हैं सप्लायर एंड पे किया, प्लस इंटरनल ऑडिट की भी हम बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स का क्या आउटपुट है, प्लस इम्प्रूवमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं। तो जितने भी की पर्सन्स हैं अपना अपना व्यू देते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है, या रिजेक्शन लेवल को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या करना हो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स का हम देखते हैं, डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस MRM, लास्ट MRM में जो हमारा डिस्कस हुआ था उसमें जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं या जो कंप्लीटेड पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोई मैन पावर्स की हमारी नीड्स है, मशीन्स की, रिसोर्सेज की नीड्स है, तो हम अपना टॉप मैनेजमेंट के सामने वो भी रखते हैं, या कोई हमने पास्ट क्वार्टर में ले लिया है हमने मशीन या रिसोर्सेज, तो उसको शो करते हैं कि उसका आउटपुट क्या है और उसके ट्रेनिंग्स वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने कि इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दिया है, वैसे उसके अलावा भी आप कर सकते हैं ऐड एज पर योर सूटेबिलिटी। ओके, अब बात करते हैं मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक ऑडिटर हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि
QMS की मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का क्या फ्रीक्वेंसी होता है। सो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, स्टैंडर्ड भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, उसने स्टैंडर्ड में भी नहीं बोला गया है कि आप इसको इतने फ्रीक्वेंसी करो, बट एक प्लान इंटरवल के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। QM स्टैंडर्ड भी वही कह रहा है कि एक प्लान इंटरवल के साथ ये चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। वो इंटरवल आपके डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट क्या है, कैपेसिटी क्या है और प्रोडक्शन लेवल क्या है, ठीक है ना। तो आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो आप इसको वंस इन ईयर भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ, अगर छोटी कंपनी है तो वंस इन ईयर आप कर लीजिए, मार्च टू मार्च, ओके, मार्च टू मार्च करिए, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते आप कर लीजिए, लास्ट वन ईयर का क्या आउटपुट है, क्या इम्प्रूवमेंट्स है, क्या रिजेक्शन लेवल है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका मास प्रोडक्शन है या हाई लेवल कंपनी, हाई आउटपुट, हाई टर्नओवर है आपका और रिजेक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या प्रोडक्शन का मतलब ये आप कह सकते हैं एक कैटेगरी की जो कंपनीज हैं, सो आप इसको वंस इन सिक्स मंथ कर सकते हैं, ठीक है ना। साल में दो बार आप इसको भी कर सकते हैं, आप एक कर लीजिए जनवरी में, एक जून में, ठीक है ना। सो जनवरी में आप करेंगे तो पास्ट सिक्स मंथ का उसमें डेटा आएगा, और जून में करेंगे तो उसके पास्ट सिक्स मंथ का डेटा आएगा। सो हमने आज क्या सीखा फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कौन रिप्रेजेंट करता है और कौन चेयर्ड करता है, ठीक है ना। प्लस क्या क्या डिस्कस होता है, क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए हमें माइंड में जो कि हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करते हैं, और ये कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं एजेंडा फॉर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ठीक है। एंड थर्ड देखा हमने कि फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का कंटेंट्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट्स में, और तब तक ध्यान रखें अपना।